सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तुम्हारा भाई आ चुका है मनाली में, और जैसे कि भाई आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, कोई भी भाई तुम्हारा भाई आया था बर्फ के लिए, स्नोफॉल के लिए, तो यहाँ पे स्नोफॉल कहीं भी नहीं हो रहा है। तो गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, स्नोफॉल वगैरह कुछ भी यहाँ पे हो नहीं रहा है। और जो मेरा भाई आना चाहते है भाई मत आना इस टाइम पे कोई भी। देख रहे हो यहाँ पे मट्टी के सिवा और पहाड़ धूप के सिवा धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है भाई। लेकिन ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मजा आ रहा है। और ऊपर जाके आपको मिल जाएगी स्नोफॉल, लेकिन वो भी लाइव देखने को नहीं मिलेगी वहाँ पे, मतलब कि जो इकट्ठी हो गई है वहाँ पे बर्फ वगैरह वो आपको मिल जाएगी। बाकी मैं टैक्सी स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और मेरी जो गाड़ी खड़ी हुई है वो सामने खड़ी हुई है, आपको दिख रही होगी। और जो भाई हमारे साथ में दो तीन लोग आए हुए थे वो भी हमारे साथ में हो गए, तो उनको भी हमने अपने साथ में कर लिया, बट वो भी घूमने आए हुए हैं, कपल लोग हैं, तो अपने चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं आपसे, चल के बर्फ में क्या सीन रहता है आपको दिखाता हूँ, दो तीन जगह जाएंगे। तो अभी के लिए मिलते हैं आपसे बर्फ में, बाय। तो गाइस आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, और जैसे कि देख रहे हो आप इनोवा में बैठ गया तुम्हारा भाई, और ये हमारे ड्राइवर साहब है हमारे। कहाँ कहाँ जाना है सर आज? आज जाएंगे आगे आगे, देखते हैं आपको टोटल है। कितनी जगह जाएंगे वैसे? तीन जगह जाएंगे। बाकी बर्फबारी मिल जाएगी ना बढ़िया? मतलब बर्फ पड़ी हुई तो मिल जाएगी ना? वो तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारे भाई आए। ठीक है, आप कहाँ से हो? गाजियाबाद से। ठीक है भाई, ये मतलब कि ये हमारे साथ में आ रहे हैं वहाँ से, दिल्ली से, मतलब दिल्ली से क्या, हम दिल्ली की बस में ही थे और ये भी उसी में थे, तो साथ में हो गए, तो फुल मजे करेंगे वहाँ पे, बूम बाम फुल पावर। तो गाइस यहाँ से भाई इतना पानी था ना भाई, आपको बता नहीं सकता, और यहाँ के लोग ऐसे डर रहे थे ना, तुमको बता नहीं सकता भाई क्या सीन था भाई, क्या नजारा था भाई इन लोगों के लिए यार। हम तो खैर उसमें देख के यूट्यूब वगैरह पे, मतलब की जो न्यूज चल रही थी उस चीज को देख के कर रहे थे। देख रहे हो ये पूरे रोड खत्म हो गए थे भाई यहाँ पे, तो अभी फिर से रोड पे काम चल रहा है, तो यार अच्छा ही यार, ऐसा कुछ ना हो दोबारा यार। यार मेरे को तो न्यूज पे देख रहा था जब इतना डर लग रहा था, और यहाँ के लोगों के लिए क्या मंजर रहा होगा भाई। तो गाइस तुम्हारे भाई ने सूट वगैरह पहन लिया है, बाकी यहाँ तो इतना कुछ ठंड वगैरह है नहीं, लेकिन बोल रहे थे सर के ऊपर भी होते, और ये यहाँ से लिया है हमने। और तुम्हारे भाई ने सॉक्स वगैरह पहन लिया यहाँ से लेके बढ़िया से, तो अभी निकलते अपनी गाड़ी में, सारे बंदे तैयार है। ठीक है, फुल पावर मजे के साथ। पिछली बार तेरे भाई ने पहना था ब्लू, ये तुम्हारा था? हाँ मेरा ब्लैक था। हाँ मेरा ब्लैक था, तेरा ब्लैक था? हाँ तेरा ब्लैक था। तो देख लो गाइस तुम्हारे भाई ने पूरा पैक हो चुका है, और अभी ऐसा लग रहा फुल पावर, गर्मी लग रही है। तो भाई अंदर हो रहा है अंधेरा, और देखो अपने टनल में अंदर घुस रहे हैं, और देखो कैसे चल रही है यार, देख रहे हो ये देखो, इससे किससे अंदाजा लगा लो भाई, मेरे हाथ बर्फ हो रहे हैं तुम्हारे भाई के यार। तो गाइस देखो यार क्या बर्फ पड़ी है रोडों पे यार, क्या बताऊं तुमको यार, बस स्नोफॉल नहीं हो रहा, लेकिन मजा फुल आ रहा है भाई यहाँ पे। बाकी मनाली में तो है नहीं बर्फ, और यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, यहाँ तो भाई भर भर के मिलेगी आपको। तो भाई इधर है रेगिस्तान, देखो इधर रेगिस्तान है, हमारे रईस भाई कह रहे हैं, और इधर क्या इधर न्यूजीलैंड है। तो भाई आ चुके हैं कोक्सर में, और भाई यहाँ पे तो भाई बहुत ठंड हो रही है, कसम से ग्लव्स निकाल के जो ना जो लोग शूट कर रहा है ना तुम्हारा भाई, हाथ जो ना काम नहीं कर रहे। सामने जो जगह दिख रही है ना आपको, सामने वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ भाई, अलग ही मजा है। और तुम्हारे भाई के हाथ में देखो ग्लव्स मैंने पहन लिए यहाँ से लेके, अमन भाई का सूट देखो यार क्या लग रहा है जेन्युइन यार, अमन भाई बाल वाल ऐसे ऐसे करके दिखाओ यार भाई, अमन भाई का बाल वाल सब एकदम ओके यार। तो चलो आगे चलते हैं, अपने दोस्त लोग आगे निकल गए। तो गाइस तुम्हारा भाई देख लो कहाँ बैठा हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड देखो, और ऊंचाई देखो भाई, नीचे से तुम्हारा भाई चल के आया भाई, कसम से यार फिसलते फिसलते बच गया मैं यार। गाइस तुम्हारा भाई ऊपर से आ चुका है, और हाथ ऐसे हो रहे हैं एकदम बर्फ है नहीं भाई, है ही नहीं समझ लो, है नहीं भाई, देख लो कैसे चल रहा है इसका चलने का तरीका देखो भाई, अंदर हमने इतने मोटे सॉक्स पहन रखे हैं यार, तुमको क्या बताऊं यार, फिर भी हमारे पैर ऐसे हो रहे हैं यार खत्म बिल्कुल यार। मजा तो फुल पावर आया, लेकिन फुल पावर हमारे पैरों में भी हो गई है। बाकी यार देख लो पानी देख देख के ऐसा डर लग रहा है ना यार, बस चल रहे जल्दी से कार के अंदर चल रहे यार, उसमें थोड़ा आराम मिलेगा, वरना तो यार हमारे तो कुछ भी मिल जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है भाई, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं हमारे लिए, बाकी का पता नहीं भाई, और अपने जितने भी पीछे यूनिट है वो पीछे आ रहे हैं। और बॉबी भाई कैसा आ रहा, मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा तो आ गया, कहाँ गई ये बंदा, हर लोकेशन पे मेरे साथ रहता है, और एंड आओ एंड। हाँ भाई कसम से यार, अभी आगे चल रहा है, आगे भी इंजॉय करेंगे। खाना पीना तो ज्यादा कुछ खाया नहीं हमने, क्योंकि खाने में दिल कर ही नहीं रहा, बर्फ देख के इतनी सारी यार, इतने प्यारे नजारे देखने को मिलेंगे, तो फिर कैसा लगेगा यार। आप आओ यार जल्दी जल्दी यहाँ पे, मुझे यार सीजन है यार जल्दी, और स्नोफॉल चाहिए तो 15 दिन बाद आना, ठीक है? अभी तो मनाली में खैर कोई स्नोफॉल नहीं है। ये भी भाई हमारे साथ में आए थे, तो सारे एक ही यूनिट हो गए, ठीक है? भाई का नाम बता दो यार एक बार फिर से यार। रवि, और आपका? सोना। सोना तुम सो ही जा रही हो यार अभी जो ना ये ऊपर इतनी जोर से गिरी है भाई, क्योंकि यार बर्फ बहुत ज्यादा पक्की हो रही है, और टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा लो हो रहा है भाई, बहुत हकीकत में यार। और अगर तुम्हें स्नोफॉल चाहिए तो 15 दिन बाद आना, और ऐसा कुछ चाहिए
तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो ठीक है। बाकी तो हमारे तो भाई पैर खत्म हो गए अंदर से, देख लो लोग तो फिर रहा तुम्हारा भाई। तो अभी चल रहा भाई कार के अंदर फुल पावर मजे से। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है सीसू में, और मैंने क्या पहले सीसू रुके नहीं थे, मतलब गए यहीं से थे, सामने एटा टनल है और यहाँ से अभी वहाँ पे जाना है अपने को 10-20 मिनट बोले उन्होंने, आधा घंटा जो भी टाइम लगेगा लगेगा। बाकी यहाँ भी होना था मैंने यार, यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो लेते हैं। बाकी सोलान वैली में तो बर्फ है नहीं, जो कि यहाँ पे इसका मनाली का सबसे फेमस पॉइंट है, मतलब कि सोलान वैली में बर्फ जब होती है ना भाई कुछ दबा के होती है, और बहुत से लोगों को पता भी है जो यहाँ पे नहीं है उनको नहीं पता है। देख लो भाई यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये सब बर्फ है भाई, ऐसा लग रहा है पत्थर है लेकिन ये बर्फ है। देखो भाई कैसी हो रही है यार, मजबूत यार एकदम कड़क। नीचे देखो भाई, यहाँ पे आने का सपना रहता बहुत से लोगों का, लेकिन बट वो ये है कि आओ यार जल्दी जल्दी मजे लो यार यहाँ पे, जो यहाँ पे भाई यहाँ पे पानी की बाढ़ आई थी ना एक दफे नदी में, आपको दिखाऊं, देखो वो पुल जो दिख रहा है ना भाई, पूरा पुल ले गई थी यहाँ पर, यहाँ पे भी मकान वकान बने हुए थे सब, यहाँ से सब ले गई थी। तो बाकी अभी अंदर चलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ चल के, ठीक है। गाइस देखो यार क्या हो रहा है यहाँ पे यार, देख लो, ओ भाई साहब क्या मजा आ रहा, देख रहे हो पूरी व्हाइट चादर है यार, क्या ही बताऊं तुमको यार। चलो अभी नीचे लेके चलता हूँ यार, आपको फिर दिखाता हूँ यार, दूर से मजा नहीं आ रहा। ये है भाई एटा टनल, और यहाँ से अपने को वापस जाना है, बाकी नीचे यहाँ से चलते हैं लेके आप लोगों को। तो गाइस हो चुका है शाम का टाइम, और भाई यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो चुका है, तुम्हारे भाई के तो हाथ एकदम खत्म हो गए। तो तुम्हारा भाई अब जा रहा है होटल, अपने सारे भाई लोग आगे जा चुके हैं, तो बट मैं भी जा रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मेरे को, हिसाब नहीं है एक अपना, और दो कपल जो हमारे साथ में आए थे वो आ रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से यार, बहुत इंजॉय करा हमने यहाँ पे, बहुत मजे लिए यार, क्योंकि यार एकदम जन्नत है भाई, जिसे कहते हैं ना भाई जन्नत, अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आओ। वैसे मनाली का नाम तो वैसे मशहूर ही है, लेकिन बहुत से बंदे आए नहीं है, तो यार जो नहीं आए भाई उनसे कहना चाहूंगा आओ भाई बिंदास एकदम फुल पावर मजे लेते हुए, भाई फुल मजा आने वाला है यहाँ पे आपको। और भाई इस टाइम तो ना भीड़ बहुत चल रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है नए साल का मौका है, और बंदे गिर तो इतना रहने हैं भाई यहाँ पे, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, अभी तुमको बता नहीं सकता। देख रहे हो पीली पीली उसमें जा रहे थे वो पीछे, देखो भाई साहब, पता है हाथ में मैंने ग्लव्स पहन रखा है, तो फोन जो ना एक हाथ से चला पा रहा हूँ, तुम्हारा भाई बच गया भी गिर जाता, बहुत ज्यादा चिकनी हो रही है इस टाइम। देखो ये भी गिर गया, ये देखो भाई बहुत बंदे गिर रहे हैं यार, बहुत बंदे जिसे कह रहे हैं भाई, ये देखो भाई क्या खतरनाक वाला सीन कर रहे है भाई, बहुत रिस्क वाला सीन कर रहे हैं, देख रहे हो कितना ऊपर है भाई, और यहाँ पे आके बंदे रुक रहे हैं, सारे बर्फ उधर तो लेके आ रहा है भाई, इसको देखना अभी तुम्हें दिखाता हूँ कैसे आएगा भाई ऊपर से यार, भाई कैसे कर रहे हैं यार ये सब, समझ में यार इनको डरवर नहीं लग रहा क्या ऊपर से, देख रहे हो ऊपर देखो भाई, अभी देखना भाई आने तो बंद हो यार, देखो देखो भाई देखो देखो, ओ भाई ओ भाई ओए, उसको तो पकड़ लिया भाई, एक बंदा तो वहां गिरा था सामने जाके भाई, तुमको दिखा रहा हूँ मैं, ओ भाई लेकिन मजा फुला रहा होगा इनको, एंजॉय फुला रहा होगा यार। चलो कोई नहीं चलते यार, बता यही मजा है यहाँ पे, अभी और भी बंदे आ रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं, देखो देखो ऐसे ऐसे गिरते भाई यहाँ पे भाई साहब। तो भाई हो गई अब शाम, और भाई तुम्हारा भाई जा रहा है होटल पे, भाई बहुत ज्यादा थक गए, तो रईस भाई थकन हो रही नहीं हो रही भाई, सांस फूल गई आज, पता चल रहा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए नहीं, यहाँ पे वैसे ही ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत, आगे ऊपर भी और ज्यादा भी है भाई, इनको देखा तुमने अभी भाई, कसम से भाई हड्डी का डॉक्टर भी मिलने गए यहाँ पे, इन्हें रिस्क ले रहे जिंदगी का, पूरा ले रहे जिंदगी का, अध्ययन सब ला रहे हैं पिछवाड़ा में फंसा के, समझ लो बस इनकी तो बस। और तुम्हारा भाई एटा टनल पे आ गया, तो अभी टैक्सी वगैरह अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है, तो अभी तुम्हारे भाई को फोन भी करना है, आज रात का क्या सीन रहने वाला है कुछ पता नहीं है गाइस अपना, कल का दिन एक नंबर रहेगा भाई, जो भी होगा कल वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और तुम्हारे मोटर व्लॉगिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई बस आया है यहाँ पे और दिल्ली से, और फुल मजा आया, फुल एंजॉय आया, ये वो घाट से भाई जो अपने को ठंड से बचाते हैं, तो चलते मिलते हैं आपसे नेट लोग में, तब तक के लिए मिलती है इन बंदे मात्र।